एक ही टीम दोनों तरफ से खेल रही है। और आज तो बहुत हैरान कन दिन था, और लॉयज ने आके बताया कि नजम सेठी ने तो कल मेरे ख्याल में किसी प्रोग्राम में कह भी दिया है कि ये इलेक्शन से पहले इसका फैसला हो जाए। फैसला क्या होना है? सजाए मौत। ये सजाए मौत की तरफ जो डिमांड कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर, वो इमरान खान को किस चीज़ की सजाए मौत देना चाहते हैं ये भी सुन लें। अगर आपका मसला हम सबका ये हो गया कि हम साइफर साइफर सुन के भूल जाते हैं कि असल में ये बात क्या है, असल में बात ये है, एक अदद शख्स अमेरिकन, उसका नाम है डोनाल्ड लू, उसने एक पैगाम भेजा था जनरल बाजवा के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर का राइट बनता है। उन्होंने एक ओथ लिया हुआ है कि मैं अपने लोगों को बताऊंगा अगर कोई ऐसी बात हुई जो उनके मुफाद में या उनके नुकसान में हो। ये उन्होंने अहद किया हुआ है अपने लोगों के साथ, क्योंकि वो इलेक्ट होकर आए हैं। उन्होंने अपने लोगों को बता दिया कि आपके खिलाफ, आपके वोट के खिलाफ साजिश हुई है। वो बताने की सज़ा आज इमरान खान जेल में सजाए मौत फेस कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को क्यों बताया। तो एक ही अब तरीका है, वो इमरान खान आपको जो मैं पैगाम उनका मैं आपको बताती हूँ, उनका पैगाम ये है कि जिस चीज़ से पूरे पाकिस्तान में हमारे थोड़े से लोग डर रहे हैं, वो है लोग, अवाम। अवाम को ये दबा के रखना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 8 महीनों से इतना जुल्म कर दिया है कि मेरे ख्याल में अल्लाह के अंदर हम उम्मीद रखें, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। अगर जो जुल्म सह चुके हैं, अल्लाह उसका मेरे ख्याल में सबको इन्हीं लोगों को अजर भी मिलेगा। लेकिन 8 तारीख को नहीं, उससे पहले कल 28 इतवार को सब ने निकलना है, अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, अपने हलकों में निकलें। यह आपका राइट है कि आप निकल सकें, आप निकल सकते हैं, आप अपने कैंपेन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको जिन कैंडिडेट्स को अप्रूव किया है वो कैंपेन कर सकते हैं। ये किस कोई नहीं आपसे यह हक ले सकता, आप ज़रूर निकलें। इमरान खान ने यह ख़ास पैगाम भेजा कि कल आपका निकलना बड़ा ज़रूरी है, ताकि ये जो खौफ के बूते हैं ये तोड़े जाएं। जितना आपके ऊपर 8 महीने में जुल्म हो चुका है, कोई बात नहीं, हम भी सब निकलेंगे इंशाल्लाह, हम भी निकलेंगे, आप सब ने निकलना है। और जो ये डोनाल्ड लू और ये बाजवा साहब का जिनको बचाने की कोशिश हो रही है, फिक्र ना करें, अल्लाह भी देख रहा है, ये कामयाब नहीं होंगे इमरान खान को सज़ाए मौत देने में, क्योंकि हम सब खड़े हैं। और हमने बाहर जो केसेस कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका बिल्कुल एक झलक दे देती हूँ। हमारे अपने पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी, वो केस करेंगे। और जो एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इन मुल्कों ने जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं, हमारे ही ये जुल्म करने वाले लोग, हमारे ही डाके डालने वाले लोगों को पनाह देते हैं। हम डिमांड करेंगे उन मुल्कों से कि इनके वीज़े कैंसिल किया जाए, यहाँ से जुल्म करके जज दिलावर की तरह हमारे साइफर के जज अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जैसे जज दिलावर लंदन भाग गए थे, इनके वीज़े कैंसिल होने चाहिए। यहाँ से अगर इनका किसी का ख्याल है अमेरिका जाएंगे, हम इनके ऊपर अमेरिका में जाके केस करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है? तोशा खाना दूसरा मजाक है, कल परसों इसका दोबारा, रोज़ इसकी भी समाअत रोज़ हो रही है। और तोशा खाना में भी कोई हमारे लॉयर मौजूद नहीं थे, आज उनकी सिर्फ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं। लेकिन ट्यूसडे को, मंगल वाले दिन इसकी वो क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगा, और मेरे ख्याल में फिर काफ़ी चीज़ें बल्कि मेरे ख्याल में जो साइफर था, 5-5 मिनट में एक एक गवाह आ रहा था, 5-5 मिनट में। दूसरी तरफ जो उन्होंने रिजवान अब्बासी ने अपना असिस्टेंट दूसरी तरफ जो खड़ा किया हुआ था इमरान खान और शाह महमूद को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मेरे ख्याल में जज साहब और प्रोसिक्यूटर को उनको मदद करनी पड़ रही थी, उनको तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो फाइल भी शायद नहीं देखी थी।
तो 9 या 11 इन्होंने आज 5-5 मिनट करके 9 या 11 गवाह आज साइफर में मीडिया के मीडिया जब जा चुकी थी। मैम बताइए आज कल कला मैडम हुई है शाम को इस हिसाब से फाइल क्या हुआ था? अगर शाम महमूद बिल्कुल जायज़ उनको उनके कंसर्न्स थे और जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही थी वो बिल्कुल ही इंसाफ के दायरे से निकल चुकी थी बात। आप खुद सोच रहे हैं कि अगर प्रोसिक्यूटर अपना असिस्टेंट खड़ा कर दे उनकी नुमाइंदगी करने के लिए पाऊँ